एक्शन इस फिल्म का जैसा विद्युत यूजली एक्चुअली लोगों को चैप्टर वन में भी और इस चैप्टर में भी चैप्टर टू अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने बहुत करते हैं ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका इसका ढंग इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करें जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है जो बात लोगों को अच्छी लगती है और बहुत टफ रहा है इनके लिए तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है कोई बॉडी डबल नहीं है कोई स्टंट डबल नहीं है रियल लोकेशंस में हुआ है असली बारिश में हुआ है ज़मीन पे हुआ है मतलब देर इज़ नो ये जैसे एक्शन को यूजली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है एक और अच्छी बात ये है इनकी क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई तो ये अगेन अच्छी बात है जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है कभी पैर एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट विथ अ लॉट ऑफ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एंड वेरी प्रोफेशनली एंड वेरी स्पेसिफिकली सो इन दैट ऑल्सो इट्स ऑल अबाउट विद्युत एंड मी कमिंग टूगेदर putting all our ideas in and just to let you know इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए मैं फ्री था ना कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था हमारे बेसिकली DOP थी जो थे वो बीमार पड़ गए थे हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था वो हांगकांग में क्वारंटाइन में उसे रोक लिया हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं एक्शन कोरियोग्राफर नहीं हमारा DOP हॉस्पिटल में था तो बहुत चैलेंजिंग था तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है खुद शूट करते हैं खुद कोरियोग्राफ करते हैं अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी अब तो करना ही है तो ठीक से करके आते हैं वही आपने देखा है होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए हाय विद्युत विद्युत हाँ सर यहाँ पे हाँ सर शारिक फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन सर सर मेरा सवाल ये है कि हम आपको कंटिन्यूसली एक्शन फिल्म में ही देखते आए हुए हैं तो मतलब फ्यूचर में क्या कभी कॉमेडी या रोमांटिक फिल्में देखते आएंगे आपको कि क्या है क्योंकि हमने मीडिया में ये भी रिपोर्ट्स आई है कि आप एक्शन फिल्में आपको देखना पसंद नहीं है और आप एक्शन कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो क्या है बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ भाई आपके लिए फॉर मी यू नो व्हाट वाज डिफिकल्ट इन एक्शन रियली इज पहले भाग में भी यही था कि एक कॉमन मैन की स्टोरी है फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है सब तो कॉमन ही है सो ही मेंट समबडी हु इज नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ बट मजबूरन लड़ना पड़ा हम जब सेट पे थे बिकॉज आई एम अ ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा सो मुझे सीखना पड़ा जब कुछ गिरता है ना So for me to be untrained was the most difficult thing and I promise you I had more fun I learned so much about imbalance bahut kuch sikha maine ek non trained as a common non trained martial artist play karke mujhe kabhi desh ke liye bulate hain kabhi biwi bhag jati hai kabhi bachchi gayab ho jati hai unke liye to ladna padega na so now the people I'm meeting are the ones who like little light hearted things so I'm enjoying reading enjoying working on things which are comical I enjoy that part yeah I'm Hemant Sangani Damkhom Media this question is for Shivalika in this film particularly there are emotion moments in it your child gets kidnapped now Vidyut is an out and out action person now he is acting in a family way also so those moments
whether, and I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, yani. But you managed it somehow, yani, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. Tell us about it. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel. It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farooq sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is, again, somebody who does not show a lot of emotion. But in this film, you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this, so they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted.